हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग बात करेंगे NSE BSE लिस्टेड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर ऑपरेटर सेक्टर के स्टॉक को लेकर के। इस स्टॉक ऊपर कई बार वीडियो बना के अपडेट्स दिए गए हैं, तो चलिए हम लोग एक बार चेकआउट कर लेते हैं कंपनी का फंडामेंटल कैसा है। 5,000 करोड़ का इनका मार्केट कैप है, करंट प्राइस चल रहा है 32 रुपये का, हाई लगा चुका है 33 का, लो है 11 का, स्टॉक भी है 196, इंडस्ट्री भी है 38। तो देखिए इंडस्ट्री भी 38 है तो थोड़ा सा महंगा है, स्टॉक भी 196 है तो ओवर वैल्यूड है, बहुत ज़्यादा महंगा है। बुक वैल्यू 7 रुपये की है। डिविडेंड एल्ड कंपनी 0% का प्रोड कर रही है। ROC है 4%, ROE है 1.98%, फेस वैल्यू 10 रुपये की है। दोस्तों जिन भी स्टॉक के अंदर फेस वैल्यू 10 रुपये होता है उन स्टॉक्स के अंदर बहुत ज़्यादा चांस रहता है स्प्लिट्स और बोनस मिलने का। प्रमोटर के पास 37% की होल्डिंग है, ठीक है ये बोला जा सकता है। डेप्ट टू इक्विटी रेशियो 0.38 है, मतलब कंपनी का जो कर्ज है ना वो कम है। और एनुअली प्रॉफिट हो रहा है 22 करोड़ का रिटर्न। डेप्ट है 455 करोड़ का रिटर्न। ऑन इक्विटी 1.98%। EPS है 17 पैसे की। फ्री कैश फ्लो 121 करोड़ नेगेटिव में। और प्लज परसेंटेज 34% की होल्डिंग गिरवी रखा गया प्रमोटर की तरफ से, ये एक नेगेटिव पॉइंट है। हाई चलते हम लोग क्वार्टरली रिजल्ट की तरफ। उससे पहले बता दें कि ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ से बनाया जा रहा है, ना कि बाई और सेल करने के लिए। अगर आप बाई और सेल करते हैं तो आप अपने रिस्क पर बाई और सेल करके चल सकते हैं, या फिर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेकर बाई और सेल कर सकते हैं। तो अगर देखा जाए जून वाले क्वार्टर का रिजल्ट, तो जून वाले क्वार्टर में 24 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट आया। जून 2024 में 6.84 करोड़ का 6.84 लाख का ऑपरेटिंग प्रॉफिट आया है। जून 2023 में 12.97 करोड़ माफी 12.77 लाख का नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आया। जून 2022 में 11 करोड़ लॉस में चली गई थी कंपनी। तो कहीं ना कहीं कंपनी क्वार्टरली बेस पे परफॉर्मेंस अच्छे कर रही है, क्योंकि जून 2024 में 24 करोड़ की प्रॉफिट, जून 2023 में 12 करोड़ की प्रॉफिट, जून 2022 में 11 करोड़ लॉस में। तो पहले लॉस में कहीं थी, लॉस बना रही थी, बट अब प्रॉफिटेबल बिजनेस पाया और अच्छा खासा क्वार्टरली नतीजे लेकर के आ रही है ये कंपनी। 8 करोड़ का नेट प्रॉफिट शो हो रहा है जून 2024 में। जून 2023 में 4.93, जून 2022 में 30 करोड़ का लॉस हो गया था। प्रॉफिट एंड लॉसेस ईयरली बेस बात करें तो DTM में हम देख सकते हैं 38 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट 2024 में, 34 2023 में 56 करोड़ का लॉस, 2022 में 36 करोड़ का ऑपरेटिंग लॉस। तो ये लॉस है 2021 कोरोना काल के टाइम स्टॉक लॉस मेकिंग बन गई और 2023 तक लॉस तैयार की है, बट अभी खैर 2024 में अच्छा प्रॉफिट लेकर के आया और TTM में भी प्रॉफिट लाने का ज़्यादा चांस है, कैपेबिलिटीज है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो 26 करोड़ का नेट प्रॉफिट शो हो रहा है TTM में 2024 में 23 करोड़ का, और बाकी 2023 22 21 20 से लॉस मेकिंग बनना स्टार्ट हो गया था, तो लॉस में ही था। बैलेंस शीट की हम लोग बात करें तो रिजर्व बैंक के पास 200 करोड़ का नेगेटिव में नेट कैश फ्लो, ब्रोविंग कर्ज है 455 करोड़ नेगेटिव में, कैश फ्लो की बात करें 121 करोड़ नेगेटिव में है, नेट कैश फ्लो 15 करोड़ नेगेटिव में है। और शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात कर लें तो 33% की होल्डिंग प्रमोटर के पास, पहले 37% की होल्डिंग थी फिर घट करके, देखो मार्च 2024 में 26% की होल्डिंग, फिर इंक्रीज हुआ जून 2024 में 37 हुआ, फिर अभी जुलाई 2024 में 33% की होल्डिंग हो गई, मतलब फ्लक्चुएट कर रहा है इसमें प्रमोटर की होल्डिंग। 0.52% की होल्डिंग FIS के पास, 22% की होल्डिंग DIIs के पास, पब्लिक पास है 43% की होल्डिंग, सबसे अच्छा होल्डिंग DIIS वालों का पैसा लगा है। पब्लिक अंदर क्या इंडिविजुअल्स की होल्डिंग है तो हम एक बार चेकआउट कर लेते हैं। पब्लिक अंदर इंडिविजुअल्स की होल्डिंग है लेकिन कम है, 2-3% की होल्डिंग है, 2.5% की होल्डिंग पब्लिक के अंदर इंडिविजुअल्स का। स्टॉक का नाम है सेपेक लिमिटेड, कंपनी का नाम है। बता दें कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया आप स्टॉक एंजल वन का, तो वहां जाकर के आप अपना डीमैट अकाउंट बिल्कुल फ्री में ओपन कर सकते हैं और आप भी इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग इस करके चल सकते हैं। द कंपनी BCOM मेजोरिटी ओन्ड बाय मार्क एवी सिंस सितंबर 2022, फर्स्ट इंसुलेट ऑफ 350 करोड़ का, और EPC कॉन्ट्रैक्ट प्रोवाइडिंग इंटीग्रेटेड सोल्यूशन इंप्रेसिंग डिजाइनिंग इंजीनियरिंग प्रोस्यूमेंट कॉन्ट्रेक्शन एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सर्विस इन वाटर प्रोसेस एंड सेस्ट एंड मल्टीपुलरी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सेगमेंट पर कंपनी कामकाज कर रही है।
अगर हम देखें क्वार्टरली बेस पे तो परफॉर्मेंस अच्छी खासी करके चल रही है कंपनी, और अच्छी खासी परफॉर्मेंस करके चल रही है। लेकिन स्टॉक भी इंडस्ट्री के हिसाब से स्टॉक महंगा है और यहाँ गिरवी रखा गया 35% की होल्डिंग, ये एक नेगेटिव पॉइंट है। तो अगर डाउन साइड 43% का करेक्शन दिखलाता है तो डेफिनेटली अपनी नज़रों में करके रखा जा सकता है। और इस स्टॉक का टारगेट बहुत ज़्यादा ऊपर है। अगर 34% का करेक्शन होता है तो फिर 21 रुपये के लेवल को दिखला सकते हो। अगर इस करेक्शन मिली डेफिनेटली नज़रों में बनाकर के रखा जा सकता है। ये स्टॉक थोड़ा सा रिस्की है, ठीक है, रिस्क से भरा हुआ है, तो क्यों ना हम अच्छे स्टॉक्स के अंदर सेफली खेले गेम। लेकिन ये स्टॉक आने वाले टाइम में आपको ये टारगेट जरूर दिखा सकता है 81 रुपये, और इस लेवल को ब्रेकआउट करता है तो फिर 117, मतलब टारगेट ये मान के चलिए कि 180 का 200 का लेवल दिखला सकता है आने वाले टाइम में। बट उसके लिए बहुत ज़्यादा समय लगेगा, कितने बार ऊपर जाकर के नीचे गिरेगा ये स्टॉक, तो बहुत सारे प्रोसेस हैं जिसको फॉलो करते हुए जिग जैग पैटर्न में स्टॉक ऊपर भागते हैं। तो इस स्टॉक का टारगेट बहुत ऊपर है क्योंकि स्टॉक ने ऑल टाइम हाई लगाया कितने रुपए का मालूम, इसने ऑल टाइम हाई लगाया 360 रुपये का, और कंपनी का फंडामेंटल होना स्टार्ट हो गया है। तो ऐसा ऐसा, लेकिन स्टॉक के हिसाब से ये स्टॉक महंगा है, तो उस इन चीज़ों को भी इग्नोर करना सही नहीं है। मल्टीपल रिटर्न तो देगा लेकिन आने वाले टाइम में बहुत ही चला करके रिटर्न देगा, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो क्यों ना अच्छे क्वालिटी के स्टॉक को पकड़ा जाए जो थोड़ा सा फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग भी हो। इतना रिस्क लेने क्या जरूरत है जब स्टॉक मार्केट के अंदर एक से एक दिग्गज स्टॉक बैठे हुए हैं। तो ठीक है, मिलते हैं एक वीडियो में दोस्तों। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ से बना करके ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ से बनाया जा रहा है, ना कि बाई और सेल करने के लिए। अगर आप बाई और सेल करते हैं तो आप अपने रिस्क पर बाई और सेल करके चल सकते हैं, या फिर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेकर बाई और सेल कर सकते हैं। मिलते हैं एक वीडियो में, बाय।